नमस्कार, मैं डॉक्टर विपिन बंसल, वास्तु कंसल्टेंट। आज मैं आपको बताना चाहूँगा मेन गेट के बारे में। मेरे पास मैसेज आया है कि घर के साउथ ईस्ट के भाग में ईस्ट की दीवार पर मेन गेट लगा हुआ है, तो ऐसे में हम अपने यहाँ क्या उपाय करें। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा, साउथ ईस्ट के भाग में ईस्ट वॉल पर मेन गेट को अच्छा नहीं माना जाता। यहाँ पर मेन गेट आने से घर के अंदर बीमारी आने के कारण बने रहते हैं। घर के अंदर बीमारी के कारण पैसे की वेस्टेज होती है। इसी के साथ जो घर के इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम हैं वो भी ज़्यादा खराब होती रहती है। आपके घर का जो मेन गेट है वो साउथ ईस्ट के भाग में ईस्ट वॉल पर लगा हुआ है। सबसे पहले तो यह चेक करें कि आपका जो अपना मेन गेट है उस मेन गेट के ऊपर आपने कलर कौन सा किया हुआ है। जो आपका साउथ ईस्ट के भाग में मेन गेट लगा हुआ है, यदि आप उसके ऊपर ग्रीन कलर करते हैं तो आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा। यानी जो समस्याएं आपके यहाँ चल रही है, जो घर के अंदर बीमारी आ रही है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम बार बार ख़राब होती है, उसमें आपको रिलीफ मिल जाएगा। इसी के साथ मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगा, यदि आपके यहाँ मेन गेट साउथ ईस्ट के भाग में ईस्ट वॉल पर है और वहाँ पर गेट के ऊपर ब्लू कलर है या ब्लैक कलर है, तो आपके यहाँ जो समस्याएं हैं, जो हेल्थ से संबंधित समस्याएं हैं, वो कई गुना बढ़ी हुई होंगी। क्योंकि साउथ ईस्ट के भाग में जब भी ब्लैक कलर या ब्लू कलर आता है तो घर के अंदर बीमारी को बढ़ा देता है। इसलिए साउथ ईस्ट के भाग में मेन गेट पर ब्लू कलर या ब्लैक कलर नहीं होना चाहिए। इसी के साथ मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगा, जो आपका अपना मेन गेट है, मेन गेट खुलने और बंद होने में हमेशा ही ध्यान रखना है, मेन गेट आपका आवाज़ ना करे। क्योंकि बारिश के दिनों में या मिट्टी के कारण गेट आवाज़ करनी शुरू कर देता है। यदि आपका गेट आवाज़ करता है तो जो गेट के कब्जे है, जो चूल है, उसके अंदर ऑयलिंग करेंगे तो आपका गेट बिल्कुल स्मूथ खुलेगा। इसी के साथ आपका जो गेट है उस गेट के ऊपर यदि जंग लगा हुआ है या पेंट की पपड़ी बन के उतर रहा है या गेट के पल्ले आपस में टकराते हैं, तो आप अपने मेन गेट को सही जरूर करें। एक बात और कहना चाहूँगा, यदि संभव हो तो आप अपना एक गेट नॉर्थ ईस्ट के भाग में ईस्ट की दीवार के साथ जरूर निकालें और उस गेट का इस्तेमाल करने से आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा। जो आपका मेन गेट साउथ ईस्ट के भाग में ईस्ट वॉल पर है, उस गेट से सिर्फ गाड़ी के आने जाने का रास्ता ही रखें। यानी जब आपकी ने गाड़ी बाहर निकालनी है या आपने अपनी गाड़ी रात को अंदर करनी है, सिर्फ ये काम करेंगे तो आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा। जो आप अपना मेन गेट नॉर्थ ईस्ट के भाग में ईस्ट वॉल पर निकालेंगे, उस गेट के ऊपर आपने या तो ऑफ वाइट कलर करना है या आपने लाइट ग्रीन कलर करना है। इसी के साथ मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, जो आपका मेन गेट साउथ ईस्ट के भाग में लगा हुआ है और आपका अपना मेन गेट से एंट्री करते ही कारपोर्च का भाग बना हुआ है, तो आपने ध्यान रखना है, आपने अपने मेन गेट के अंदर का भाग और बाहर के भाग की फर्श की धुलाई नहीं करनी है। आपने अपने यहाँ पर सिर्फ पोचा लगवाना है और इसमें भी आपको ध्यान रखना है, जब आप पोचा अपने पोर्च के भाग में लगवाएं, आप खुद काम करते हैं या आपके यहाँ मेड काम करती हैं, होता है क्या है, जो बाल्टी के अंदर गंदा पानी होता है उस गंदे पानी को गेट के रैम के ऊपर डाल दिया जाता है और उसको साफ करने के लिए दो बाल्टी पानी के भर के उसके ऊपर और डाल दिया जाता है, जिसके कारण आपके घर का साउथ ईस्ट का भाग हमेशा गीला भी रहता है। इस कारण भी घर के अंदर बीमारी आने के कारण बनते हैं। आपने ध्यान रखना है, जो आपका पोचे का पानी है उस पानी को आपने नाली के अंदर डालना है, फर्श के ऊपर नहीं डालना है। और कोशिश करना है कि जो पोचा आप साउथ ईस्ट के भाग में लगाएं तो गीला सूखा ही होना चाहिए। ज़्यादा गीला पोचा आपने साउथ ईस्ट के भाग में नहीं लगाना है, क्योंकि मैं हमेशा ही वास्तुशास्त्र के साथ साथ अपने अनुभव की भी जानकारी आपको देता रहता हूँ। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरी वीडियो को अपने सर्कल में शेयर जरूर कीजिए, ताकि मेरी इस वीडियो से हो सकता है किसी न किसी व्यक्ति का फायदा हो जाए। आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली मेरी जितनी भी वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। इसी तरह अगले प्रोग्राम में फिर एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए